हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिज़ किचन। आज हम आपके साथ सिरके वाली प्याज और हरी मिर्च की रेसिपी शेयर करने चाह रहे हैं। ये देखिए, देखते हैं हमें इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सिरके वाली प्याज बनाने के लिए हमने 8-10 ये प्याज लिए हैं। इसे धो के वॉश करके छील के ले लिया है। अब हम इसे में बीच में से इस तरह से कट लगा लेंगे, इस तरह से। सारी प्याज हम इसी तरह से काट लेंगे। देखिए आप, बस इसके पीछे से जुड़ा रहना चाहिए। और हम अपनी मिर्च भी इसी तरह से काट लेंगे। इसका डंडल हटा के इसमें एक कट लगा देंगे, इस तरह से। इसी तरह से हमने अपनी सारी मिर्च काट के रख ली है। और हमने एक बीट रूट लिया है, चुकंदर, उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। हमने एक कांच की बर्नी ली है, इसमें हम ये वाइट विनेगर है। अब हम ये आधा ग्लास वाइट विनेगर डालेंगे इसमें, अपनी बर्नी में। और इसमें 2 ग्लास भर के पानी डाल देंगे। इसमें हम अपनी आधा चम्मच पिसी हुई चीनी या बूरा ले सकते हैं आप। और आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। और इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी बीटरूट, चुकंदर, और जो हमने प्याज और हरी मिर्च काट के डाली थी उन सबको हम ऐड कर देंगे इसमें। आपकी ये 2 दिन में हरी मिर्च और प्याज बनकर रेडी हो जाएगी। आप इसे बंद करके ढक्कन लगा के रख दें और थोड़ा सा हिला दें इस तरह से।